नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटों में 1383 नए मामले, 50 लोगों की मौत। लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता को मिले पका हुआ खाना। कोरोना और सरकार निशाने पर हैं पत्रकार। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 19,984 पहुंच गई है, जिनमें से 3,870 लोगों को ठीक किया जा चुका है और 640 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में अभी भी 15,474 सक्रिय मामले मौजूद हैं। पिछले 24 घंटों में यानी 21 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 22 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1383 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 618 लोगों को ठीक किया जा चुका है। ICMR द्वारा 21 अप्रैल रात 9 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 4,62,621 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 26,943 सैंपल की जांच बीते दिन में ही की गई है। सबसे अधिक नए मामले महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 552 नए मामले और कुल संक्रमितों की संख्या 5,218 पहुंच गई। गुजरात से 239 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2,178 पहुंच गई है। और उत्तर प्रदेश में 110 मामले आए हैं, वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 1,294 पहुंच गई है। साथ ही राजस्थान से 83 मामले, तमिलनाडु से 76, दिल्ली से 75, मध्य प्रदेश से 67, तेलंगाना से 55, आंध्र प्रदेश से 35, वेस्ट बंगाल से 31, केरला से 19, बिहार से 13, जम्मू और कश्मीर से 12, कर्नाटक से 10, उड़ीसा से 5 और एक एक मामला चंडीगढ़ और मेघालय से सामने आया है। देश के 15 राज्य ऐसे भी रहे हैं जिनमें बीते दिनों कोई नया मामला सामने नहीं आया। इनमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और झारखंड शामिल हैं। पूर्व कृषि सचिव और FCI के पूर्व अध्यक्ष तथा मैनेजिंग डायरेक्टर सिराज हुसैन ने न्यूज क्लिक के साथ विशेष चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार को कि ये जिम्मेदारी है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के पास मौजूद चावल को निशुल्क बांटा जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सुधार किया जाए। आइए सुनते हैं उन्हें। प्रवासी मजदूर है, इनको क्यों आज मुफ्त में चावल गेहूं नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारे पास जो भंडार है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो भंडार है, जो हमें जरूरत है, जो हम कहते हैं बफर स्टॉक, उसे 3 गुना से भी ज्यादा है और अभी रबी का फसल आने वाले हैं, ये भंडार कम नहीं होगा, बढ़ भी सकता है। देखिए, ऐसा है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने, UPA गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनैक्ट किया 2013 में और ये कमिट किया कि हम तकरीबन 80 करोड़ लोगों को देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड ग्रेन्स देंगे। जो अंत्योदय अन्न योजना की फैमिलीज हैं तकरीबन 2.5 करोड़, उनको कहा गया हम 35 किलोग्राम हर फैमिली को देंगे और बाकी को कहा गया कि हम 5 किलोग्राम पर पर्सन देंगे। तो ये अगर हम मिला के देखें तो साल में और बाकी अदर वेलफेयर स्कीम्स का मिला लें अगर हम, तो साल में करीब 66 मिलियन टन्स इसके माध्यम से जाता है। अब ये बात सही है कि 2010-11 के सेंसस के हिसाब से ये 80 करोड़ लोगों का आकलन किया गया था। उसके बाद से अभी एक्सपर्ट्स ने जो एस्टिमेट किया है, जॉन ग्रीस वगैरह ने, रीतिका खेड़ा ने, तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग और हैं इसके अलावा जिन्हें ये फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि वो 10 करोड़ लोग आज इस सिस्टम के बाहर हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो 5 किलो हर राशन कार्ड पे प्रति आदमी मिलता था, उसको बढ़ा के 3 महीने के लिए 10 किलोग्राम किया और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम वो अनाज फ्री देंगे उन लोगों को। तो गवर्नमेंट ने जिनके पास राशन कार्ड थे उनको 10 किलोग्राम प्रति पर्सन वो देंगे अगले 3 महीने, और जो राशन कार्ड के बाहर हैं उनके लिए अभी कोई कमिटमेंट नहीं है। मगर मुझे लगता है कि राज्य सरकारें FCI के गोडाउन से जो OMSs के रेट हैं, यानी कि 21 रुपए गेहूं का रेट और 22 रुपए चावल का रेट, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम OMSs, यानी कि खुले बाजार में आप फूड कॉर्पोरेशन अपना अनाज, आपका गेहूं
आपका चावल आप बेच रहे हैं। हाँ, उसका मकसद ये है कि राज्य सरकारें इसको उठा के बांट सकती हैं, लेकिन ये बात सही है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमने ये सजेस्ट किया था कि तब तक एनजीओ को और इस तरह की जो और सामाजिक संस्थाएं हैं उनको गवर्नमेंट मुफ्त में चावल दे, और वो तकरीबन 1 करोड़ लोगों को हमने एस्टिमेट किया था लॉकडाउन के पीरियड में पका हुआ खाना खिलाए। ये अगर हम करते तो शायद जो डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं उससे हम बच सकते थे। झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे लगभग 20 लाख परिवार है। इस 20 लाख में 7 लाख परिवार के पास राशन कार्ड है नहीं। आप उनको लिए टेम्पोररी राशन कार्ड कुछ दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए क्यों नहीं दे पा रहे? इसमें क्या दिक्कत है जी? इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था तो प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर हर स्टेट को एक नंबर दिया गया था कि आप अपनी आबादी के इतने परसेंट लोगों को इसमें कवर कर सकते हैं। तो झारखंड में अगर हम देखें तो तकरीबन 85% लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है, यानी कि 85% लोगों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं मिलता है। ये बात सही है कि आबादी बढ़ गई है, बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, और इस वक्त क्योंकि एक बहुत डिस्ट्रेस की सिचुएशन है तो कोई एक टेम्पररी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है उनको भी ग्रेन्स दिया जा सके। ये हमने लिखा है। सबसे बड़ा सवाल है आज जो एक आर्थिक संकट के दौर से हम जा रहे हैं, ये सिर्फ महामारी नहीं है। हम जिस तरह से पिछले कुछ हफ्ता और शायद आने वाले कुछ हफ्तों में हम देखेंगे जिस तरह से एक जगह से दूसरे जगह लोग चले गए हैं, प्रवासी मजदूर, मेरे ख्याल है विश्व में कहीं ऐसा इतना बड़ा इंटरनल माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह लोग जो प्रवासी मजदूर गया, मैं समझता हूं भारतवर्ष का इतिहास में और विश्व के इतिहास में कभी हमने नहीं देखा। ये कह रहे हैं, ये बहुत ही एक अजीबो गरीब स्थिति है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लेबर का माइग्रेशन हुआ है, और खास तौर से वो लोग बहुत दिक्कत का शिकार है जो गांव से जाके शहरों में काम करते हैं, क्योंकि वो जब अपने गांव वापस गए हैं तो उनके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं है और कोई तरीका नहीं है कि उनका डिस्ट्रेस दूर हो सके। ये बात सही है, मैंने भी लिखा है कि जब तक लॉकडाउन का पीरियड है तब तक कम से कम उनको पका हुआ खाना मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं थोड़ा आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन करूं। देखिए, गवर्नमेंट में ऐसी कोई फीलिंग हो सकती है ये जो हमारे पास फूड ग्रेन के स्टॉक हैं, हो सकता है आगे चल के जो अभी 3 महीने के लिए एडिशनल 5 किलोग्राम दिया गया है, हो सकता है इसको 6 महीना करना पड़े, हो सकता है इसको 1 साल करना पड़े। दूसरी बात, एक जो गवर्नमेंट में कंसर्न होगा मेरा ख्याल है वो ये होगा कि ये जरूरी नहीं है कि प्रोक्योरमेंट इस साल उतना ही हो जाए जितना पिछले साल हुआ था। हो सकता है कि किसान लोग इस अनसर्टेनिटी की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रोक्योरमेंट के लिए कम अनाज लाएं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट में ऐसी फीलिंग होगी और वो जस्टिफाइड है कि हमारे पास जो फूड ग्रेन है हम उसको प्रूडेंटली इस्तेमाल करें। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और खास तौर से जो माइग्रेशन हुआ है उनको जरूर मदद करने की और तत्काल मदद करने की जरूरत है। खोज खबर के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने कोरोना छटनी और काले कानूनों का शिकार हो रहे मीडिया कर्मियों की बातचीत की है। मुंबई के 50 से अधिक पत्रकारों का कोरोना से पीड़ित होना बताता है कि संकट कितना गहरा है। साथ ही ठीक इस समय किस तरह से कश्मीर की युवा महिला फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहरा पर UAPA लगाकर सच को दबाने की कोशिश हो रही है, और इस बारे में उन्होंने मसरत से खास बातचीत की। कश्मीर में द हिंदू अखबार के पत्रकार आशिक पीरजादा पर केस दर्ज करना भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। इन सब पहलुओं पर उन्होंने कश्मीर टाइम्स के अनुराधा भसीन से भी बातचीत की। साथ ही मीडिया में बड़े पैमाने पर हो रही छटनियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आइए सुनते हैं भाषा को। इस समय कोरोना, सरकार और मालिकों के निशाने पर हैं पत्रकार, मीडिया कर्मी, अलग अलग घरानों के मीडिया कर्मी। कोरोना का संकट किस तरह से पत्रकारों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ रही है, इसका ताजा उदाहरण हमें देखने को मिलता है मुंबई में, जहां बड़ी संख्या में जब टेस्ट कराया गया तो पत्रकार कोरोना पीड़ित निकले। सरकार
किस तरह से खौफतारी करती है उनके खिलाफ जो सच बोलते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कश्मीर में। कश्मीर में वहाँ एक युवा महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं मसरत, उनके खिलाफ सरकार ने UAPA जैसा खौफनाक कानून लगाया है। उनके साथ साथ जो हिंदू के जर्नलिस्ट हैं पीरजादा आशिक के खिलाफ भी इसी तरह का मामला बनाया गया है। और वहीं पूरे देश भर में और ख़ास तौर से देश की राजधानी में जो मीडिया का हब है, वहाँ हम पाते हैं कि बड़े संख्या में पत्रकारों की छटनी हो रही है। जो संस्थान हैं वो पत्रकारों को निकाल रहे हैं, एक एक मेल पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तकरीबन हर जगह लोगों के वेतन की छटनी हो रही है। कुछ उदाहरण इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक उदाहरण टाइम्स ऑफ इंडिया की संडे मैगजीन का है। और वह इसलिए सामने आया क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि इतने साल तक ऐसे संस्थान के साथ काम करने के बाद, जब इतना संकट है और वे काम करना चाहते हैं, एक मेल के जरिए पूरी की पूरी टीम को हटा दिया गया। वेतन की कटौती तो हर जगह है। जैसे मान लो मीडिया घराने इतने गरीब थे कि उनके पास एक महीने का वेतन देने के लिए अपने कर्मचारियों को नहीं था। इससे पता चलता है हकीकत का कि जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जब हमें प्रवासी मजदूर सड़क पर चलते दिखाई देते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि वे क्यों जा रहे हैं, ये वही मीडिया है जहां पर हम आपस में बात नहीं कर पाते हैं, हम नहीं बता पाते कि इतने पत्रकारों की ऐसे छटनी हो रही है, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। राहत की बात है कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 3 यूनियन साथ आई हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर कोरोना संकट और कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिन पत्रकारों को निकाला गया, जिनसे इस्तीफे लिए गए या जिनके वेतन में कटौती की गई, वे सब वापस ली जानी चाहिए और सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए। इस एपिसोड में हमने बात की कश्मीर की युवा फोटो जर्नलिस्ट, महिला फोटो जर्नलिस्ट से, मसरत से, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, सिर्फ 26 साल उनकी उम्र है, और 26 साल की उम्र में उन्होंने यह ठाना कि जो कश्मीर में उनके आसपास हो रहा है, इसे वे फोटो के जरिए डॉक्यूमेंट करेंगी, उनका दस्तावेजीकरण करेंगी। और आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे उनकी कुछ बेहतरीन फोटोज, जो मुझे लगता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन जहां पर हिंसा हो रही है, वहां पर एक महिला का इस तरह से बाहर आना कैमरे के साथ बहुत ही दुर्लभ है। वे खुद हमसे बातचीत के दौरान भी बताती हैं कि कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने सोचा कि वह एक महिला फोटो जर्नलिस्ट बनेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो माहौल है वह इतना हिंसा से भरा हुआ था कि वह महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कम उम्र की लड़कियों के लिए कुछ भी सोच पाना, इस तरह का करना बहुत ही मुश्किल था और सिस्टम बहुत सपोर्टिव नहीं था। आइए सुनते हैं कि मसरत हमसे क्या कहना चाहती हैं। ड्यूरिंग दिस पैंडमिक मैं घर पे ही थी, तो मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप जी यहाँ आ जाओ साइबर पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। सो देयर वाज समबडी हु वाज टॉकिंग टू मी ऑन फोन एंड मुझे वो अननोन नंबर से कॉल आया था, तो दे सेड कि आप जी यहाँ आ जाओ साइबर पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला कि किस सिलसिले में, तो दे सेड कि नहीं आप जी यहाँ आ जाओ, हम आपको यहीं पे बोलेंगे। देन आई सेड आई डोंट हैव द कर्फ्यू पास, आई डोंट थिंक पीपल पुलिस विल अलो मी बिकॉज वी आर अंडर द लॉकडाउन, बिकॉज होल वर्ल्ड इज़ अंडर दिस पैंडमिक लॉकडाउन। तो दे सेड इफ़ समवन विल स्टॉप यू, आप हमें इसी नंबर पे कॉल करना, तो दे विल अलो यू। देन आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई वॉज शॉक टू नो दिस कि मतलब मुझे साइबर पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि अब क्या करूँ, वट विल बी द नेक्स्ट। आई वेंट डाउन स्टेयर्स एंड आई टुक माई डैड्स फोन, आई कंटेक्टेड टू लाइक KPC मेम्बर्स, तो उन्होंने मुझे KPC मेम्बर्स ने बोला कि यू डोंट हैव टू वरी, बी काम राइट नाउ, वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट वट इज़ द मैटर। देन दे कंटेक्टेड टू सम हायर अथॉरिटीज, इवन द डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर सईद असगर, ये सहरिश असगर ने इंटरवीन किया, शी टोल्ड मी दैट यू डोंट हैव टू वरी, आपको कुछ नहीं होगा, आई हैव सॉर्टेड दिस आउट, दिस मैटर इज सॉर्टेड आउट, सो इट विल नॉट लुक गुड इफ यू विल गो देयर एज अ फीमेल, इट विल नॉट लुक गुड। डिस्पाइट ऑफ दैट आफ्टर 2 डेज,
सो मुझे एक फेसबुक पोस्ट से ट्विटर से पता चलता है कि दैट आई हैव बीन बुक्ड अंडर द ड्रैकोनियन लॉ विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर दे डूइंग दिस. मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या फियर है. आई वॉज जस्ट पोस्टिंग द पिक्चर्स विच आई हैव क्लिक्ड ड्यूरिंग माई करियर लाइक विच आई हैव टुक फ्रॉम लास्ट 4 years इन कश्मीर. सो दोज आर द टेस्टिमनीज. वो पिक्चर्स मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म के दौरान ही खींची हैं, तो वही पिक्चर्स मैं अपलोड भी कर रही थी अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे. इवन सम ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन पब्लिश्ड इंटरनेशनली एंड नेशनली. सो मुझे, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ. आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एजेंडा. आई एम जस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर. हमने देखा कि मसरत की जो चिंता है वह कितनी जायज है. जो युवा फोटो जर्नलिस्ट अपना आगे का करियर बिल्कुल दूसरे ढंग का सोच रही थी, दूसरे ढंग की उनकी योजनाएं थी, उसमें किस तरह से ये जो काले कानून की एक गिरफ्त उनके ऊपर लगाई गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जब वो खुद अपनी प्रकाशित फोटोज, अपनी प्रकाशित स्टोरीज दोबारा डाल रही थी तो यह अपराध कैसे हो गया. एक अच्छी बात जो उनकी बात से सामने आती है कि कम से कम श्रीनगर में जो पत्रकार बिरादरी है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वह उनके साथ खड़े हुए हैं और शायद यह एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है उनके लिए. न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही. इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर. हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर. देखते रहिए न्यूज क्लिक. धन्यवाद.